संसद के बजट सत्र के छठे दिन आज लता मंगेशकर को याद किया गया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने लता मंगेशकर के लिए शोक संदेश पढ़ा। इसके बाद संसद की कार्यवाही को फिलहाल एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में लता मंगेशकर की याद में एक मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद कार्यवाही को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में आज संविधान SC और ST आदेश संशोधन बिल 2022 पेश किया जाएगा। MIM चीफ असदुद्दीन वैसी के काफिले पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में बयान देंगे। केयर बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा पर प्रधानमंत्री मोदी आज जवाब दे सकते हैं। आम बजट 2022-23 पर चर्चा की आज से शुरुआत होगी। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।